पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। सिद्धू के हाल के दिनों में दिए गए बयान पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। कांग्रेस आलाकमान भी सिद्धू के बयान से बेहद नाराज हैं। सिद्धू पंजाब में अपनी पार्टी के लिए ही समस्या बनते जा रहे हैं, लिहाजा प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने सिद्धू को लेकर राहुल गांधी से मुलाकात की है। रावत का कहना है कि उन्होंने पंजाब में क्या चल रहा है इस बारे में राहुल गांधी को बताया है, जिसके बाद जल्द ही राहुल गांधी पंजाब पहुंचकर अमरिंदर सिंह और सिद्धू से मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान राहुल गांधी पंजाब में तमाम कांग्रेस नेताओं से मुलाकात करेंगे और हालात का जायजा लेंगे। पंजाब में कांग्रेस के हालात की जानकारी सोनिया गांधी तक भी पहुंच गई है। कुछ विद्रोही विधायकों ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को हटाने के लिए दबाव बनाया है, जबकि सिद्धू भी सीएम के खिलाफ लगातार हमलावर बने हुए हैं। इससे पहले सिद्धू अपनी ही पार्टी को धमकी दे चुके हैं। सिद्धू ने कहा कि पार्टी अगर उन्हें फैसला नहीं लेने देगी तो वो ईंट से ईंट बजा देंगे। सिद्धू की इस चेतावनी के बाद कांग्रेस की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इससे पार्टी का एक खेमा काफी नाराज है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पंजाब से कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने सिद्धू की ओर से आई चेतावनी पर पार्टी के मौन को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मनीष तिवारी ने तंज कसते हुए शायरी के जरिए सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी जाहिर की कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। ऐसे में अब कांग्रेस असमंजस में फंस गई है। एक तरफ सिद्धू पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं तो दूसरी तरफ कुछ विधायक अमरिंदर को हटाना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस आलाकमान करे तो करे क्या, सिद्धू और अमरिंदर दोनों पार्टी के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। हालांकि देखना होगा कि पंजाब पहुंचकर राहुल गांधी मामले को सुलझा पाते हैं या नहीं, लेकिन उससे पहले सिद्धू और कैप्टन की लड़ाई ने कांग्रेस हाईकमान की नींद उड़ा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।